अब इसको ऐसे करके ना ऐसे पीछे करते जाना, इधर खाली तवा है उधर कर देना, बिल्कुल ऐसे इधर कर लेना। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे से व्यूअर्स, मेरे प्यारे से बहन भाई, जहाँ कहीं भी हैं, शाद रहें, आबाद रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने रमज़ान को खूब 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 इसकी बरकतें और रहमतें जो हैं इसको कबूल करते रहें, आमीन सुमा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है। हाँ जी माशाल्लाह। तो आज का ब्लॉग हमने जल्दी जल्दी में बनाया क्योंकि टाइम थोड़ा था और गैस जाने वाली थी। एक तो हमारी गैस जो है ना, हमारी दौड़े लगवाती रहती है हर टाइम, गैस ने तो वाकई तंग किया हुआ। तो सबसे पहले मसाला वगैरह हम सारा टाइम से तैयार कर लेते हैं और जो बाकी नहीं, सारी बात बताओ, सारी बात बताओ ना। सारी बात ये है कि जैसे ही हम जोहर की नमाज से फारग होते हैं ना या उससे पहले, तो हमारी जो अशी है वो किचन में घुस जाती है। वो क्या करती है, वो सारी चीज़ें कटिंग कर करके रखती रहती है। उसके बाद जैसे जोहर की नमाज के बाद नूर घुस जाती है और नूर क्या करती है, फिर ये जो जो उनको मिक्सिंग करना शुरू कर देती है चीज़ों को, और फिर एंड पे दी एंड पे मम्मा जाती हैं और जल्दी जल्दी शुर 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 मैं सारी वो जो है फ्राइयाँ करती हूँ और फिर चीज़ों को जो है ना इनको क्या उसको लास्ट में क्या बोलते हैं कि आखिरी टच देती हूँ, फाइनल टच जो है ना वो दे के, अगर ये बन रहे हों तो इनको फ्राई करके और फिर चावल बन रहे हो तो उनको दम दे के, तो ये सब कुछ करके तो हम लोग इस तरह करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मिलजुल के हमारा रमज़ान शरीफ माशाल्लाह से कंप्लीट हो रहा है। और अब देखें जी, ऊपर हम माशाल्लाह आ चुके हैं क्योंकि अफ्तारी और सहरी जो है इतनी स्पीड वाला काम होता है, और अगर लकड़ियाँ जो है जलाने बैठे तो फिर मेरे ख्याल में फिर जो है ना एक दो दिन तो लगेंगे। दो दिन में एक अफ्तारी तो बनेगी। हाँ। तो इसलिए हम लोगों ने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया। तो अब लेकिन आज इतना प्यारा मौसम था, हमने सोचा कि आज छत पर ही बैठेंगे, और मम्मा की तो जिद थी कि आज तो हम छत पर ही बैठेंगे। और ये बेडशीटें पहचानी तुमने? नहीं मैंने नहीं पहचानी। अगर निगर सिस्टर होती उसने पहचान ली। तो ये सादिया ने मुझे गिफ्ट की हैं, कह रही थी आपकी वीडियो में ये बहुत प्यारी लगेंगी, तो ये बड़ी कल्चरल सी हैं तो बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छी लग रही है ना, कलर स्कीम बड़ी प्यारी है। हालांकि ना इतना कैमरा इसको फोकस नहीं कर पा रहा, इसका जो है इतना प्यारा डिज़ाइन है ना, कसम से दिल खुश हो गया था शॉपिंग पिंक और ग्रीन में। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है और तैयारी पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम लोग करते हैं, कि ये नहीं है कि बनाना जो है ना पकाना हमारा थोड़ा होता है, लेकिन हम लोग उसको बैठ के सही तरीके से साथ, मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग उसको खाएं पिएं और रोज़ा इफ्तार करें। और ऊपर आती हैं आवाज़ें अजानों की और मौलवियों की और चिड़ियों वगैरह की, परिंदों की। और अगर कोई मस्जिद में दूर दूर गाँव है तो अगर कोई पैसे देता है ना 10 रुपये देता है तो पूरे खानदान को सवाब पहुँचाया जाता है। बड़ा ऊपर आके ना तो बंदे को ना मज़ा आता है कि मैं मौलवी परेशान ये चावल तैयार हो गए, तो ये चावल भी ऊपर आ गए हैं। मटर आपको पता है कि हमारे मटर जो है ना हमने खूब जो है ना रखे हुए फ्रीज किए, तो इसलिए हमारे मटर वाला पुलाव जो है बड़ा मज़ेदार बन जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने रख दी हैं और मौसम को इंजॉय करते हुए हम भी सारे बैठ गए हैं। बैठे नहीं हैं अभी तो, हम चीज़ें ही अरेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारी तैयारी एंड टाइम तक होती रहती है। और फिर इसके बाबा आते हैं तो फिर हमारा रोज़ा जो है ना उसको 4 चांद लगते हैं। जी जी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारी तैयारी कंप्लीट है और अब जो है ना बस इंतज़ार हो रहा है कि कब कारी साहब जो है वो ऐलान करेंगे, या हमारा इधर जो है वो एक होटल होता है वो बोलेगा तो फिर हमारा रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सबके भी रोज़े इसी तरह बड़े प्यारे प्यारे चल रहे होंगे, और अल्लाह ताला जो है ना जो हमारे मुल्क परेशानी में है, जैसे हमारे फ़लस्तीन और ये सारे मुल्क जो परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर कर दे इस रमज़ान के सदक़े, इस प्यारे जो हम कलाम पाक पढ़ते हैं उसके सदक़े, और जितने भी दुनिया जो इबादत में मसरूफ़ हैं अल्लाह ताला की वहदानियत को जो है उसका इकरार कर रही है, तो अल्लाह ताला उसके सदक़े अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों की सारी परेशानियाँ दूर कर दे। इस
सब हमारे मुसलमानों की अगर दुआएं मिल के जो है रंग लाएं तो हमारे जो परेशान मुसलमान हैं वो साहब आज़ाद हो जाएं और उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। तो यहां पर अभी मौलवी हजरात का स्टार्ट होने वाला है काम, तो अब मैं चुप करती हूं और बाकी काम उनको करने देते हैं। बाहर से काफ़ी शोर आ रहा है क्योंकि बाहर साथ ही ग्राउंड बना हुआ है और वहाँ पर बच्चे इस टाइम खेल रहे होते हैं। बच्चे भी एन टाइम तक खेलते रहते हैं कि अजानें होंगी तो फिर हम घर जाएंगे। देती हैं कि मुबीन आ जाओ, मुबीन आ जाओ। ये मामा अपना बता रही हैं। मैं अपने बच्चों की आवाज़ें जो देती हूँ वो बता रही हूँ, बाकी भी अपनी बेचारे लगी होती हैं, सारी लगी होती हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चे भी ज़िद्दी हैं, ढीठ है, खेलते रहते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा था और देखें जी अब हमारी सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुबीन को आवाज़ आने वाली। यहाँ पर शरबत का कलर जो है ना वो पता नहीं कैमरा गुम कर देता है, तो फिक्का फिक्का लगता है ऐसे जैसे बहुत कंजूसी के साथ जमी नहीं, नहीं, नहीं दूर से अच्छा लगता है, दूर से अच्छा लगता है, लेकिन जब पास से करते हैं तो अच्छा। मज़े के बाद जिस दिन हमारा व्लॉग बनता है उस दिन सादा जामी श्री बन, जिस दिन भी हमारा व्लॉग बनता है उस दिन सादा, हालांकि हम दूध वाला जो है ना जामी श्री बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन जब भी हमारा व्लॉग बना तो वो बीच में हमारा आ ही नहीं पा रहा। अच्छा हाँ, मुझे याद आया कि हमारा कल जो है व्लॉग क्यों नहीं आ पाया परसों, वो इसलिए कि ना लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, और दूसरी बात है कि नेटवर्क बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था, इस वजह से हमारा मिस हो गया। तो यहाँ पर जी जैदी साहब जब बाज़ार से हैं, उनको नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पर जो है वो बना चुके हैं अफ्तारी, तो वो भी पूछ ले आए थे तो हमने उसको भी साथ रख लिया इस तरह माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? सही दसो। सही कर रहे, अच्छा लग रहा है। भी नहीं अच्छा लग रहा जी? वाकई जी। अब मुस्कुरा तो दिया करना चढ़ना का शक्ल है कभी ना रोज ना ये ने कोई नहीं पर देखो ये और दूसरा नहीं हो लेना अपना बस
यहाँ पे माशाल्लाह हमारी इफ्तारी जो है कम्प्लीट हो चुकी है, नमाज से भी हम लोग फारिग हो चुके हैं। चाँद जो है वो विराजमान है माशाल्लाह आसमान पे, और बहुत प्यारे प्यारे जो हैं आवाज़ें दुरूद सलाम की, और कुछ नात पढ़ रहे थे बच्चे, कुछ तलावत कर रहे थे, तो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये हमारे रात हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऊपर क्योंकि परिंदे भी होते हैं और फसल ये होते हैं पौधे वगैरह, तो इसलिए अभी मच्छर इन दिनों में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो है ना ऊपर मच्छर में अभी फ़िलहाल जो है रात को ऊपर नहीं सोते। कुछ दिनों तक जब रमज़ान के बाद इंशाल्लाह जो है ना ऊपर हमारी चारपाइयाँ बकायदा लगेंगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।